बरेली के मोहनपुरी क्षेत्र में चल रही 164वीं रामलीला में आज के दिन निकली भगवान श्री नरसिंह महाराज की शोभा यात्रा। शोभा यात्रा बमनपुरी से चलकर मलुकपुर चौकी, बिहारीपुर डाल, कुतुब खाना, बड़ा बाजार, सीताराम कूचा होती हुई वापस श्री नरसिंह मंदिर पर आकर हुई समाप्त। रथ के आगे आगे चल रहे होरियारों ने जमकर खेला रंग, गिरे फूल, उड़ा गुलाल। भगवान की शोभा यात्रा हो रही है, ये क्यों निकाली जाती है यहाँ? ये शोभा यात्रा उसमें निकाली जाती है, भक्त प्रसाद होलिका में होलिका लेके बैठेंगे, इनका भी अंत करते हैं और नरसिंह भगवान ने बचाया था। ऐसा है कि यहाँ पर 164 साल से रामलीला का मंचन हो रहा है, नरसिंह भगवान मंदिर में ही से कार्यक्रम होता है, इसलिए यहाँ पर यहाँ से बारात निकाली जाती है। तो ये बारात कहाँ कहाँ जाती है? ये बारात कहाँ कहाँ जाती है? होलिका इसलिए जलाई जाती है कि हिरण्यकश्यप की बहन का नाम होलिका था। हिरण्यकश्यप जब बारात को मिटाने से असमर्थ रहा तो अपनी बहन होलिका को आदेश देता है कि ले जाओ और इसे ले जाकर के जला दो, क्योंकि होलिका को यह वरदान रहता है कि वो अग्नि में जलेगी नहीं। लेकिन प्रभु की माया, जब प्रहलाद को लेकर होलिका जब बैठती है अग्नि में तो होलिका जल जाती है, प्रहलाद बच जाते हैं, इसलिए होलिका जलाई जाती है। इसलिए नरसिंह महाराज जी की बारात भी निकाली जाती है कि उनका उनके उन खुशी में। ये नरसिंह बारात क्यों निकाली जाती है आज? ये नरसिंह बारात इसलिए निकाली जाती है, हमारा बहुत पुराना नरसिंह मंदिर है और इसी प्रांगण में हमारे ये रामलीला जो है यहीं से शुरुआत होती है और यही सारे कलाकार यहाँ पे रहते हैं। इससे कल पूर्व जो है कलमाई राम बारात निकली थी, परसों सीता विवाह हुआ था, उसके उपरांत कल राम बारात निकली थी, पूरे शहर में घूमी थी, आज नरसिंह भगवान की शोभा यात्रा निकलेगी। इसके क्षेत्र से निकलेगी ये शोभा यात्रा हमारी बड़ी भोलपुरी से मलुकपुर भाईपुर ढाल कुतुबखाना कुतुबखाना सीताराम कूचे होते हुए और आगे बड़ी भोलपुरी समाप्त हो जाएगी। उसके अलावा रामलीला का भी आयोजन है आज? क्या उसके बाद रामलीला का आज आयोजन नहीं, कल है कल। Thank you.